أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقال عز وجل في مقام اخر

गैर मुस्लिमों के हक़ूक़ में से एक अहम हक़ कि ग़ैर मुस्लिम को दीन की दावत दी जाए वो दीन वो इस्लाम वो पैग़ाम जिसको अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के लिए सेलेक्ट किया है चुना है जिसका इंतखब किया इन दीन आ इन ला कि अगर कोई काबिल कबूल दीन है जिसको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए चुना है जिस पर चलकर पूरी इंसानियत नजात पा सकती हैं कामयाब व कामरानी कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकती हैं दुनियावी उवी नजात हासिल कर सकती हैं तो सिर्फ़ दीन इस्लाम और दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन कोई इख्तियार करता है तो उसका काबिल कबूल नहीं उसका वो तरीक़ा उसका वो मजहब उसका वो दीन काबिल कबूल नहीं और मैय तग़र इस्लामी दीन फलायुखबलामिन जो इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को अपनाएं अल्लाह ताला ने कहा उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा वह फिल आखिरत मिन अमिनसरी जबकि वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा घाटा उठाने वालों में से होगा इसी तरह ये इस्लाम चूँकि तमाम के लिए तमाम बंदों के लिए अल्लाह ने चुना है ये पैगाम अल्लाह ताली चाहते हैं ये मैसेज दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा बल्कि पूरी इंसानियत दोनों जहाँ के लिए अल्लाह के नबी सा को नबी और रसूल बनाकर अल्लाह ने भेजा और आपके बारे में अल्लाह ने सरअम्बिया के आखिर में क्या कहा कामत आलमीन अल्लाह ने दोनों जहां के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है ये इस्लाम ये इस्लामी तलीमत बाईस रहमत हैं और जो क़ुरान ये शरीय अल्लाह ने कुरान की शक्ल में नाजिल की उसको तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया अल्लाह ने बताया हदलिननास ये लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है तो गैर मुसलमान का एक बुनियादी हक़ ये हैं कि उसे दीन की दावत दी जाएँ इस्लाम की तलीमत उसको बताई जाएँ प्यार नबी सा के बारे में उसको बताया जाए क़ुरान की अदीम तालीमत कुरान उसको हदिया में दें और उसको समझाएँ पढ़ कर सुनाएँ ये उसका बुनियादी हक़ है और हर मुसलमान को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि खुद अपने आप को जहन्म से अपने आप को बचाएँ इस दीन को कबूल करके और इसी तरह नारे जहन्नम से जो हैं जहन्म की आँख से हर एक को बचाने की सही फ़िक्र होनी चाहिए अल्लाह की तैयार करदा अदीम जन्नत में दाखिल करने की दूसरों को दाखिल करने की फ़िक्र हो अपने दाखिले के साथ साथ दूसरों की भी सही फ़िक्र होनी चाहिए और इसी तरह देखिए दावत दीन का एक काम या अदीम काम है यह जहाँ आसान भी है बहुत मुश्किल में आसान इस कुछ के लिए है जो अल्लाह के लिए उठें अल्लाह के लिए सही फ़िक्र करें बंदी प्लानिंग हो अल्लाह के नबी सा के तरीक़े पर अमल करते हुए अगर अंजाम देता अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देंगे वीन अजय हदुफी लन्दीन न अल्लाह ने कहा जो हमारे लिए कोशिश करें और अनथक कोशिश करें मुकम्मल कोशिश करें और तमाम असबाव वसाइल अपनाएं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुहैया किए हैं तो ये काम बहुत आसान है लेकिन ये काम जो है उतना भी आसान नहीं जितना लोग आज समझते हैं बल्कि बड़ा मेहनत तलब है सबर आज़मा है यहाँ दुश्वारियाँ हैं यहाँ कुरबानियाँ भी देना पड़ेगा यही वजह है कि देखिए शरीयत ने दीन की दावत देने वाले की बात को सबसे बेहतर बात करार दिया जब वो बंदा सबसे बेहतरीन बंदा है उसने उस, उस बंदे की बात उस बंदे की गुफ्तु सबसे बेहतरीन गुफ्तगु हैं जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं खुद उस पर अमल पैरा हूँ सुरफ़ीत आयत नंबर थर्टी थ्री में तैंतीस में अल्लाह तक ने कहा व उमनसन मिमदा अल्लाह अल्ला ने कहा उस शख़्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है ममदा अल्ला जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएँ अल्लाह के दीन की तरफ अल्लाह के शरीयत की तरफ अल्लाह का पैगाम लोगों तक तो पहुँचाए उसके बाद अल्लाह ने कहा सबसे बेहतरीन बात है और सबसे बेहतरीन इंसान है वामीला हाँ सिर्फ बुलाना नहीं बल्कि अमल साल करना है प्रैक्टिकल लाइफ उसके सही हो, उस दिन जिसकी तरफ वो बुलाता है ख़ुद उसको अपनाने वाला हो अपनी अमली ज़िंदगी में उसको नाफिज करने वाला हो कलामसलिम अमली किरदार पेश करके बताए कि ये मैं मुसलमानों में से हूँ इस्लाम ये हैं इस्लाम ये है कि मेरे तौर तरीक़ों को तुम देखो इसी तरह सही बुखारी में अली रतन को जब अल्लाह के नबी सल्लम ने खैबर की तरफ़ भेजा यहूदियों के साथ जो है खैबर फतेह करने के लिए यहूदियों से खिताल के लिए प्यारे नबी सल्लम ने वहाँ भी कहाला रिस लिख कहा अली देखो लड़ना हमारा मकसद नहीं लड़ना अहम मकसद नहीं कहा कि लड़ने से पहले उनको फिर दावत दीन दो दीन की तरफ, तरफ बुलाओ इस्लामी तलीमत की तरफ़ बुलाओ फिर कहाँ फ़ौल फौल्ला ही कहाँ फ़ौल्ला खरजल वाहिद खैर का मिनहराम कहाँ याद रखो अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को भी अल्लाम की तोफ़ी दे दें कि आपके ज़रिए अल्लाह ताली किसी एक को भी इस्लाम कोई एक भी इस्लाम कबूल करता है अल्लाह ताला आपके ज़रिए किसी को भी तोफ़ी देता है आप उसका ज़रिया बनते हो कहाँ तुम्हारे लिए सुरख ऊँटों से बेहतर सर्ख ऊँट की मिसाल अल्लाह के नबी सास ने क्यों दी उस वक्त अरब अरब में सबसे कीमती चीज़ सर्ख ऊँट थे रेड कैमल जो है सुरख ऊँट सबसे महंगी चीज़ थी सबसे क़ीमती तो पता चला अगर कोई ज़रिया बनता है किसी के इस्लाम कबूल करने का कितनी बड़ी नेकी हैं कितनी बड़ी ये नेकी है कितना बड़ा ख़ैर का काम है कि वो मुसलमान होकर ज़िंदगी भर अमल करेगा जो भी इबादतें करेगा उसको भी सवाब मिलेगा और जो उसकी रहनुमाई किया उसको भी बराबर सवाब मिलेगा और वो अगर मेहनत करे आगे और लोगों पर मेहनत करे पता नहीं कितने लोग इस्लाम कबूल करिए सिलसिला क़ियामत तक अगर चला इसी की तरह अल्लाह के नबी ने इशारा किया दुनिया की सबसे क़ीमती चीज़ उसको मिल गई अल्लाह अकबर बहुत अजीम काम है अजीम जिम्मेदारी हैं यह आसान भी है इसके लिए अल्लाह आसान कर दे सही अखलास हो सही नीयत हो सच्ची तड़ब हो फिक्र हो तो मुश्किल नहीं आसान है हाँ ये काम ऐसा है अम्बिया ने इस पर अमल किया उनको भी सताया गया दुश्मनी की गई घर बार छोड़ना पड़ा माल दौलत की देना देनी पड़ी तो ये रास्ता जो है पुरखटिन भी, भी है और पुरखार भी हैं और बड़ा मेहनती तलब है सबर आज़मा है सब्र की भी ज़रूरत है और अल्लाह के लिए जो करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी है ज़िंदगी भर अल्लाह के नबी सा ने पूरी कोशिश की गैर मुस्लिमों के हकूक़ आपने अदा किए और इस सिलसिले में मौके की तलाश में रहते थे अल्लाह के नबीस मौके की तलाश में रहते थे कोई मौका जो है हाथ से जाने नहीं देते मक्की ज़िंदगी में देख लें कोई सफ़ा पर कभी खड़े हैं कभी लोगों के जहां मजमा लगता वहां बाजारों में आप घूमते थे दावत तबलीग की फ़िक्र में रातों में अल्लाह के सामने क्याम करके रो रो कर व तकल्लुब का फिसाज दीन सजदे की हालत में अल्लाह के नबी सा का आह गुजारी करना उम्मत की फिक्र में रोना अल्लाह के सामने ये तमाम जो है यही फ़िक्र थी दावत की उमत की फिक्र में अल्लाह के नबी सा ने क़ियामत तक आने वालों की फ़िक्र के नबी सा ने की और इस दीन को लोगों तक पहुँचाया जहाँ भी लोग जमा होते वहाँ अल्लाह के नबी खड़े होते लोगों को दावत देते और इसी तरह तइफ जाकर अल्लाह के नबी ने दावत का काम किया मदीना आकर भी बंदी प्लानिंग से अल्लाह के नबी सा ने इस पैगाम को अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचाया मदीने में बहुत सारे मिसालें मक् में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं इसके अदीम कुरबानी अला के नबी सा की और मशहूर वाक़ा और यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी सा की खिदमत किया करता था अन सरदी अल्लाह तु से जो मरवी है मशहूर रिवाज काफ़ी मरतबा हमने सुना है जब बीमार हुआ आखिरी लम्हा थे अल्लाह के नबी सल्लाम उसकी यादत के लिए गए उसके सरहाने अल्लाह के नबी ने खड़े होकर उसको इस्लाम की दावत दी और दूसरी जानब उसकाद खड़ा था यहूदी था बच्चा बार बार अपने वालद को देखने लगा तो वालद ने भी कहा अगर से यहूदी था जानता था तस्लीम करता था कि अल्लाह के नबी सा आसम बरहक़ हैं आपकी तालीमत सही हैं इस्लाम सच्चा दीन है कहा आते अबल अपने बच्चे से कहाँ अबुल की इतात करो अल्लाह के नबी सा की की कुत अबसिम थी कहा मोहम्मद रसोल्ला के रसूल हैं जो पैगाम तुझे दे रहे हैं तो उसको कबूल कर उनकी इतात कर इसी में तेरा भला है क्योंकि बाप का भी यकीन हो गया था कि बच्चा मरने वाला है बच्चा जो है मरने वाला है उसके आखिरी हालात हैं अगर इस्लाम को कबूल करेगा उसकी नजात हैं बच्चे ने भी जो है आ, बाप के इशारे को समझा और उसने इस्लाम को कबूल किया उसी वक्त उसकी जान जो है ख़त मनसरी से परवाज़ कर गई इनताल हुआ अल्लाह के नबी से आसम का चेहरा जो है आ, खिला अल्लाह के नबी से आसम जो है चेहरे पर चमक आई अल्लाह के नबी जब बाहर आए घर से बाहर आए अल्लाह का शिक्रिया अदा करते हुए हो अनक़दी मिनन्नार के तमाम तारीफ़ें उस रबलाल के लिए हैं जिसने मुझे ज़रिया बनाकर इस बच्चे को इस यहूदी बच्चे को अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल करने की तोफ़ी दी उसको जहन्नम से अल्लाह ने बचा लिया अल्लाह अकबर ये फ़िक्र थी प्यारे नबी सास इसके हर वक्त हर मौके की तलाश जैसे मैंने कहा अल्लाह के नबे मौक़े की तलाश में रहते थे हर एक को आपने दावत दी अबू बकर को आपने दावत दी खतीजा को आपने दावत पेश की और हर एक को अल्लाह के नबी जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया सहाबा में एक बड़ी तादाद अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी की मेहनत थी फिर सहाबा ने इस पैगाम को आगे पहुँचाया इसी फ़िक्र में ताबी तब तबैन आइमा ओलामा आज तक भी आज तक भी अल्लाह वाले हैं जो गैर मुस्लिमों के हकूक़ को जो है अदा कर रहे हैं और बुनियादी हक़ के इस दीन की दावत को आम किया जाए लोगों तक आम किया जाए देखिए अल्लाह हिदायत देने वाला रब है ये पैगाम अल्लाह भी चाहे पहुंचा सकता है लेकिन हम और आप को जरूर इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं इस दावत को किसी की ज़रूरत नहीं लेकिन हम और आप को ज़रूरत है कि हम इसको अपनाएं इसको दूसरों तक तो पहुंचाएं हमारा भला होगा हमारा फ़ायदा होगा अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान अल्लाह ने इस उम्मत को बनाया खुन तुम खैर उम्मीन वजत लन्नास लोगों की हिदायत के लिए लोगों की हिदायत अल्लाह ने कहा तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम्हारे फर्द तुम्हारा फरीदा क्या है भलाई का हुक्म देना सबसे बड़ी भलाई तोहद का पैगाम अल्लाह की तोहद का पैगाम देना मारूफ का हुक्म देना सबसे बड़ा मारूफ तोहेद है उसके अलावा दीगर अच्छे कामों की तरफ लोगों को बुलाना ग़ैर मुस्लिमों को जो है इस्लाम की दावत देना शिरक व कुफर से रोकना और उनको बुराइयों से रोकना सबसे बड़ा मुनकर जो है शिरक है कुफर है उससे लोगों को बचाना उसकी फिक्र करना चाहिए अल्लाह के नबी साहब ने इनफ़रादी इज्तमी काम आपने किया अल्लाह वाले आज भी कर रहे हैं हम और आपके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस हकीकत को समझें इस पैगाम को ख़ुद अमल करें अपनी ज़िंदगी में नाफिस करें अपने ख़ौल से पहले अमल से जो है लोगों को दावत दें आज ज़रूरत है अच्छे अखलाक को अपनाएँ गैर मुस्लिमों को दावत देने के सिलसिले में अच्छे, अच्छे अखलाक को अपनाएँ आज मुल्क हिंदुस्तान बर सग़ीर में हमारे जो है बद अखलाक़ी की वजह से और हमारा जो मनफी किरदार है नेगेटिव जो लाइफ हम जिंदगी गुजार रहे हैं मनफी किरदार की वजह से लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं ऐसा ना हो कम से कम अगर इस्लाम को कबूल नहीं करना है तो अपने ऐसा अमल ना इख्तियार करें ऐसी शक्ल सूरत और ऐसे ऐसा झूठ या ऐसे जो भी धोखे आज दो, दो दो दे रहे हैं इस्लाम के नाम पर नौज़ बिल्ला बड़े बड़े लोग हैं ख़ाल अल्लाह खाल रसूल के नाम पर लोगों का पैसा देखे लोगों ने इकतसदी हालत माशी एतबार से पहले से मुसलमान कमज़ोर हैं आज खाल खाल रसूल का नाम लेकर वलमा को यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर हज़ारों का जो है लाखों करोड़ों का नुकसान लोगों ने कर दिया नज़बल्ला से डरना चाहिए अल्लाह से डरना चाहिए हमारे इस मनफ़ी किरदार की वजह से आज गैर मुसलमान दूर होते जा रहे हैं और आज हमारे अंदर इतहाद ना होने की वजह से मिल कर काम करें ये एक उम्मत हैं हमारा रब एक है हमारा किबला एक है हमारी शरीत दीन एक है हमारे नबी एक हैं हमारा क़ुरान एक है हमारा काबा एक है हमें एक बनना है नेक बनना है और इस पैगाम को जो है अल्लाह के बंदों तक तो पहुँचाना है दुआ है अरबुल आलमीन से कि अल्लाह ताली हम तमाम को सही मानों में, जो भी बातें हमने सुनी हैं अल्लाह अमल की तोफ़ीदा फरमाएं इस फरीद दीन को दीन परमल करते हुए खुद खुदमल करते अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तीलिम को नाफज करने और इस दिन की तलीमत को लोगों तक आम करने की तोफ़ता फरमाएँ अच्छे अखलाक़ अच्छे किरदार को अपनाने की सहादत अल्लाह नसी फरमाएँ बद अखलाक़ी और जो भी हमारे अंदर सुस्ती काहिल गफलत आ गई अल्लाह तला हमसे दूर फरमाएँ